Hey everyone, welcome to my channel. In this video, हम लोग बात करेंगे कि हमारी बॉडी में एसिडिक कंटेंट जब बढ़ जाता है उसको परमानेंटली कैसे सॉल्व करें। हमें पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिड प्रोडक्शन करती है, कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम मेडिसिन खा लेते हैं। दैट मेडिसिन इज बेसिकली अ टेम्पररी सोल्यूशन, हमें चाहिए परमानेंट सोल्यूशन जिससे हर बार हमें ये चीज करने की जरूरत ना पड़े। तो इन दिस वीडियो हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी परमानेंटली। टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है, जब भी हम खाना खाते हैं दैट फूड विल गो टू ईसोफेगस एंड फ्रॉम ईसोफेगस इट विल गो टू द स्टमक। हमारे स्टमक में होता है एसिड और हमारे स्टमक के ऊपर की साइड पे एक फ्लैप होता है दैट इज कॉल्ड एस LES, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर एक टाइप का वॉल्व होता है जो सिर्फ तभी ओपन होता है जब कोई फूड एंटर होता है, ठीक है। सो ये जो LES है, अगर इस LES प्रॉपरली बंद नहीं होगा तो ऑफकोर्स वहां पे आपका एसिड है वो ईसोफेगल के थ्रू ट्रैवल करेगा और आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हाउ वी कैन अवॉइड इट, ठीक है। सबसे पहली बात, एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्यों प्रेजेंट होता है, दो रीजन की वजह से। नंबर वन, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और नंबर टू आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए, ठीक है। सो इफ आपकी एसिडिटी बहुत ही ज्यादा रेगुलरली हो रही है, बार बार हो रही है, इट इज अ कंडीशन ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ओके। सो ये अभी एसिडिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, दो तरीके हैं हमारे पास, टू मेथड्स आर देयर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पर्टिकुलर एसिडिटी। नंबर वन, या तो हम एसिड प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा ना होने दें, नंबर टू हम LES को स्ट्रेंथ कर दे, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो अच्छे से फ्लैप बंद हो जाए, ताकि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। सो नंबर वन पॉइंट आई विल से, स्टार्ट ईटिंग स्लो। खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट खाना खाओगे तो ऑफकोर्स वहां पे आप बहुत बड़े टुकड़े लोगे, बहुत बड़े चंक लोगे, जिनकी वजह से क्या होगा, वेन यू आर इनटेकिंग अ बिग चंक ऑफ बाइट तो वो आपका अच्छे से च्यू नहीं होगा और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ ज्यादा ही एक्सेस ऑफ एसिड प्रोडक्शन करेगी एंड दैट इज वेरी मच हार्मफुल एंड इट विल लिटरली कॉज द एसिडिटी। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि हमेशा अपना खाना स्लो खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए। नंबर टू, नेवर स्किप योर मील। कभी भी अपना मील स्किप नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है वो सुबह 9 बजे खाना खाते हैं, दोपहर के आसपास टी ले लेते हैं और शाम को डिनर करते हैं। सो यू कैन सी देयर आर 6 to 7 hours ऑफ अ गैप, दैट इज वेरी मच डेंजरस फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आपको भी पता है जब आप भूखे होगे तो आपकी बॉडी मोर एंड मोर एसिड प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अपना मील कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपको गैप देना है तो 3 to 4 hours का गैप इज सफिशियंट, इससे ज्यादा गैप मत दीजिए, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड पॉइंट, हैवी मील्स अवॉइड करने हैं रात को। जब भी आप खाना खाते हो हमेशा आपका जो खाना है एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल के थ्रू होना चाहिए और कभी भी हैवी मील्स खा के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए एंड आप उसके बाद 10-11 बजे तक आप सो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर लाई डाउन आफ्टर ईटिंग योर फूड। खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं लेटना है, थोड़ा सा बैठ के यू हैव टू जस्ट टेक सम काइंड ऑफ अ वॉक, यू शुड नॉट लाई डाउन व्हेन यू हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से is always avoid taking morning tea or morning coffee if you take. Because why? Because in our coffee we have caffeine. Caffeine is of course it increases the acidity, because jab aap coffee intake karte ho ya tea intake karte ho it provides an acidic environment to your stomach and jab aap uthoge to aap acidic environment hoga to of course aapko acidity banegi. So isiliye hamesha bola jata hai jab bhi aap utho to koi वॉटर यू हैव टू इनटेक, सो दैट वहां पे आपका एल्कलाइन एनवायरमेंट हो बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी इंप्रूव हो। यू हैव टू अवॉइड द स्पाइसी फूड। आपको पता है जितना ज्यादा स्पाइसी खाना आप खाओगे उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से, ऑलवेज इंक्लूड 1 fruit and 2 vegetables इन योर होल 24 hour ऑफ अ मील, कि मतलब जो पूरा दिन है उसमें आप हमेशा 1 fruit या और 2 vegetables आपको लेने चाहिए। वो वेजिटेबल्स आपकी मेजरली ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो टेक सिट्रस फ्रूट एंड वन ऑफ द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से बेसिकली आपकी क्या होता है, निकोटीन जनरेट होती है। निकोटीन आपकी LES को लूज करती है, जिसकी वजह से आपकी एसिडिक कंटेंट जो स्टमक से एसिड है वो आपके ईसोफेगस तक
ट्रैवल करता है जिसकी वजह से हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. दिस इज व्हाई आपका LES बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, आफ्टर दैट अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके पॉस्चर की वजह से भी होता है, क्योंकि आपको भी पता है यू शुड नॉट लीन व्हाइल यू आर ईटिंग और व्हेन यू आर सिटिंग. आपको कभी भी झुक के नहीं बैठना होता, बिकॉज ऑफकोर्स उस टाइम आपकी एसिडिक रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा है. सेकेंडली, यू शुड अवॉइड टाइट क्लोथ्स. अगर आप खाना खाते टाइम बहुत टाइट कपड़े पहन के खाना खाओगे तो ऑफकोर्स आपके स्टमक पे उतना प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, वहां पे आपकी एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएंगे. नंबर थर्ड, हमेशा मूव योर बॉडी, मतलब आपको मूवमेंट करनी जरूरी है. इट्स नॉट लाइक यू आर सिटिंग द होल डे, यू ऑलवेज शुड वॉक. सबसे बेसिक एक्सरसाइज है वॉकिंग करना. एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स वॉक करना तो इम्पोर्टेंट है. इवन इफ यू आर ऑफ एनी एज यू शुड वॉक. एंगर और इरिटेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको भी पता है जब हमारी बॉडी एंगर होती है, एंग्री होती है, गुस्सा होती है, तो हमारे हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं जिसकी वजह से हमारी एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से, अपनी स्लीप कंप्लीट करनी चाहिए. यू हैव टू टेक अ प्रॉपर 7 to 8 hours ऑफ अ स्लीप, क्योंकि जिन लोगों की स्लीप कम होती है, फ्रॉम द रिसर्च इट हैज बीन शोन, उनमें एसिडिक GERD की प्रॉब्लम, समस्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है. एंड लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से, ऑलवेज ट्राई टू लूज वेट. जितना ज्यादा बेले फैट कम होगा उतना ज्यादा आपको फ्री रहेगा आपका स्टमक, क्योंकि जितना भी आपके स्टमक के आसपास फैट एक्यूमुलेट हो रखा है उसकी वजह से आपके स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से वहां पे आपके एसिडिक कंटेंट रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा है एंड वहां पे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. इसलिए ट्राई टू लूज वेट, ट्राई टू लूज अ बेली वेट स्पेशली, एंड ऑफकोर्स ऑप्ट अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल. नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी इट विल बी बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन की हाउ टू इम्प्रूव डायबिटीज. कुछ ऐसे पॉइंट्स आई वुड लाइक टू शेयर कि कौन कौन सी चीजें आपको डायबिटीज के टाइम पे खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ स्टाइल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफ यू आर हैविंग और एनी फैमिली मेंबर इज हैविंग अ डायबिटीज. ओके, सो टिल नाउ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर लव वंस, एंड ऑफकोर्स हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर द नेक्स्ट वीडियो विल अराइज. थैंक यू.